सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर तक हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये लास्ट क्वेश्चन होगा जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम यूज कर रहे होंगे कि हमारी जो कोन की इक्वेशन है वो कैसे निकले। वो हमारे इस तरह से निकले कि जो हमारा कोन है उसका वर्टेक्स हमारा ओरिजिन है, तो उसका जो इक्वेशन होगी वो हमारी सेकेंड डिग्री की होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी सेकेंड डिग्री में एक्स वाई जेड में। तो ये टाइप को यूज करते हुए हमारा जो है सेवेंथ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसके बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे या फिर आप कह सकते हो एक आर्टिकल पढ़ेंगे जहां पे हम बात करेंगे कि अगर हमारे कोन का वर्टेक्स कुछ और है, ओरिजिन नहीं है, तब हम कोन की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो आइए चलिए फटाक से कंप्लीट करते हैं इसको और उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि प्लेन्स थ्रू ओ एक्स एंड ओ वाई इंक्लूड एन एंगल अल्फा, planes through OX and OY include an angle alpha show that their line of intersection lies on the cone और कोन की इक्वेशन क्या दी है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टेन अल्फा। अब देखिए टेन स्क्वायर अल्फा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब या फिर बेतुका लगेगा कि यार कोन था और यहाँ पे तो कोन की बात ही नहीं की गई है, या बस एकदम छोटा सा पार्ट कोन का यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि घुसेड़ दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए जैसे कि मतलब पहले तो पूरा लाइंस की देखिए, ओ एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस अपनी, तो एक लाइन की बात की गई, दूसरी लाइन की बात की गई है, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया है। और फिर कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि मतलब इन सॉरी प्लेन्स थ्रू ओ एक्स एंड ओ वाई, मतलब जो प्लेन हमारे ओ एक्स मतलब एक्स एक्सेस से पास करने वाला एक प्लेन है, एक प्लेन हमारा वाई एक्सेस से पास करने वाला प्लेन है, इन दोनों के बीच में अल्फा एंगल है, तो हमें ये दिखाना है कि इन दोनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारे इस कोण पे लाई करेगा। थोड़ा सा इररिलेवेंट टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप ये जो आपकी ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन है आप इसको सही से डिकोड नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इसको सही से या फिर ढंग से डिकोड करो तो आपको पता लगेगा कि ये क्या कह रहा है और ये कौन से कितना रिलेवेंट है कौन चैप्टर से। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन, तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले देखिए हमको दिया क्या गया है, प्लेन्स थ्रू ओ एक्स एंड ओ वाई इंक्लूडिंग एंगल इंक्लूड एन एंगल अल्फा, यानी कि अगर हम मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारी वाई एक्सेस है और ये हमारी जेड एक्सेस है, ये हमने मान लिया कि ये हमारी तीन एक्सेस हैं, है ना। एक्स वाई और जेड, आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा दो प्लेन आपको पता है, या कह सकते हैं हम कि ऐसे कौन से प्लेन्स आपको पता है जिसका इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस है।
ऑब्वियस सी बात है, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, है ना। तो यहीं पे हम क्या लिखते हैं कि प्लेन्स थ्रू ओ एक्स एक्सेस, यानी कि हमारे एक्स एक्सेस के थ्रू जो हमारे प्लेन है वो क्या होंगे, प्लेन्स थ्रू ओ एक्स एक्सेस क्या होंगे हमारे, पहला प्लेन होगा आपका z इज इक्वल टू जीरो और दूसरा प्लेन होगा आपका y इज इक्वल टू जीरो। अब ये चीज स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स में बता दी गई थी, तो आई होप आपको यहां तक याद होगा ये सब। तो प्लेन्स थ्रू ओ एक्स एक्सेस z इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो। So, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर प्लेन की बात करें या ढेर सारे प्लेन्स की ही बात करें अगर हम, तो हमारे उस OX एक्सिस से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। दो प्लेन्स हैं, हमारे पास इस तरह से दो प्लेन हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। दिया क्या गया है, प्लेन थ्रू ओ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, तो हम उन दोनों प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं। जिन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक्स एक्सेस यानी ओ एक्स लाइन बनी है, हम उस प्लेन, उन दो प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी जो लाइन है ना, ये हमारी क्या है, ओ एक्स एक्सेस है, और ये वाला प्लेन क्या है, जेड इज इक्वल टू जीरो, और ये वाला प्लेन क्या है, y is equal to zero। ये बट नेचुरल थिंग है, हमने स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स में पढ़ा है कि x एक्सिस z is equal to zero और y is equal to zero वाले प्लेन के इंटरसेक्शन से बनेगी। तो ये चीज हमको यहां से पता लगे। तो अगर हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्लेन थ्रू ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई, यानी कि कोई एक प्लेन होगा ओ एक्स एक्सिस के थ्रू जा रहा होगा, है ना, कोई एक प्लेन होगा ऐसे ओ एक्स एक्सिस के थ्रू। अब ये प्लेन अगर हमारे इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन के, मतलब इंटरसेक्शन वाली लाइन से पास कर रहा है, यानी ओ एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, तो हम इन दोनों प्लेन्स के फॉर्म में इस प्लेन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे, हमने बताया था ना पी वन प्लस लैम्डा टाइम्स पी टू, इस तरह से लिखते हैं हम पी को, अगर कोई दो प्लेन के बीच में से कोई एक तीसरा प्लेन पास कर रहा है तो वही चीज हम यहां पे करेंगे। तो planes through OX axis are z is equals to 0 and y is equals to 0. So, ये क्या हो जाएगा हमारा, z plus lambda y, या y कर लेते पहले, sequence मतलब alphabetical order में चलते हैं, y plus lambda 1 times z is equals to 0, क्योंकि भैया P1 ये है, P2 ये है, तो P1 plus lambda times P2, और बस lambda की वजह lambda 1 यहाँ पे हमने यूज किया है। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, यानी कि हमारे OX एक्सिस से पास करने वाले कोई भी प्लेन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं प्लेन्स थ्रू OY एक्सिस, OY एक्सेस की बात करते हैं अगर आप, तो OY एक्सेस हमारी किन किन प्लेन से बनी होती है, Z इज इक्वल टू जीरो एंड X इज इक्वल टू जीरो से। तो इन अब की बार ये क्या हो जाएगा, ये Z इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये अब की बार X इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये OY एक्सेस हो जाएगी हमारी। तो अगर इस तरह से है तो हमारे कोई भी तीसरा प्लेन जो कि हमारे इन दोनों प्लेन के बीच में है या फिर OY एक्सेस से पास कर रहा है, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x plus lambda 2 z is equals to 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहां से हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या आ गया,
कि ये दो प्लेन्स आ गए और हमें बताया गया है कि जो हमारे OX और OY से पास होने वाले प्लेन है उनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, यानी प्लेन वन और प्लेन टू के बीच का एंगल गिवेन है और वो क्या है, अल्फा गिवेन है। ये क्वेश्चन नंबर टू है। सो गिवेन एज अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन वन एंड टू, सो प्लेन वन और टू के बीच का अगर एंगल हमको पता है तो हम क्या यूज करते हैं, यानी कि कॉस थीटा, कॉस अल्फा यूज होता है थीटा की जगह पे, और इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि नॉर्मल वेक्टर जो होती है उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो नॉर्मल वेक्टर इसकी क्या है, जीरो वन लैम्डा वन, और इसकी क्या है, वन जीरो लैम्डा टू। सो यहां पे क्या हो जाएगा, वन इंटू जीरो, क्योंकि अच्छा सॉरी एक मिनट, पहले इसकी कंसीडर करें। तो इसकी एक्स के साथ जो हमारा डायरेक्शन मतलब जो भी नंबर है वो हमारा नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा क्या होगा, जीरो, और इसका वन है तो डॉट वन, प्लस इसका वन है, इसका जीरो है वाई वाला तो डॉट जीरो, प्लस इसका लैम्डा वन इसका लैम्डा टू तो लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ जीरो स्क्वायर वन स्क्वायर लैम्डा वन स्क्वायर, यानी वन स्क्वायर प्लस लैम्डा वन का होल स्क्वायर, अरे सॉरी लैम्डा वन स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो हमको ये क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, देखिए हमारे धीरे धीरे टेन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है, तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने जो रिजल्ट हमको लाना है उसकी तरफ। अभी मैं आपको कनेक्शन भी फील कराऊंगा कि कैसे ये कनेक्टेड है, बस आप नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ, अभी मैं कहूंगा, पॉज करने के लिए कहूंगा, नोट डाउन करने के लिए कहूंगा, तब आप करिएगा उसको, तब तक अच्छे से समझिए पहले। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अब ये हमारा क्या हो गया, लैम्डा वन लैम्डा टू होल स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, और नीचे क्या हो गया, वन प्लस लैम्डा वन स्क्वायर इंटू वन प्लस लैम्डा टू स्क्वायर, ये हो गया। इसको फर्दर क्या करते हैं, हम कॉस स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिखते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा फर्दर इसको हम करें तो वन प्लस लैम्डा वन स्क्वायर इंटू वन प्लस लैम्डा टू स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा वन स्क्वायर लैम्डा टू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, इतना हो गया हमारे पास। इसको हम फर्दर क्या लिखते हैं, वन प्लस लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर प्लस लैम्डा वन स्क्वायर लैम्डा टू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा लैम्डा वन लैम्डा टू स्क्वायर बाहर है, सेक स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा वन स्क्वायर लैम्डा टू स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इतना आ गया हमारे पास। तो यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं कनेक्शन भी दिखाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन पहले, क्योंकि मुझे जब मैंने पढ़ा इसको तो मेरे को थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं लगा कि यार ये क्या फालतू, मतलब कुछ मतलब फील नहीं है ना यार, कि कुछ अगर फील हो कि हाँ कौन से कुछ है, ये कौन की इक्वेशन, बस हमको ये दिखानी कि ये जो लाइन पास कर रही है वो इस कौन से पास कर रही होगी, समझ रहे हो ना। तो फिर बाद में मेरे को कनेक्शन अचानक से चमका कि अच्छा ये कनेक्शन है। तो आइए चलिए हम आगे देखते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, अभी मैं कनेक्ट कराऊंगा, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो चलिए मैं ये मिटा दे रहा हूं।
तो यहां से जो है ना हमारा, देखिए लैम्डा वन स्क्वायर लैम्डा टू स्क्वायर और लैम्डा वन स्क्वायर लैम्डा टू स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इस साइड हमारा क्या बच जाएगा, वन प्लस लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर, लैम्डा वन लैम्डा टू कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू लैम्डा वन स्क्वायर लैम्डा टू स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा वन स्क्वायर लैम्डा टू स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा, इतना आया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहीं से देखिए इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू का जब आप यूज करेंगे तो लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू क्या है, यहां पे आप लिखेंगे सिंस लैम्डा वन इज इक्वल टू माइनस वाई बाई जेड एंड लैम्डा टू इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन जेड, इतना है लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू। अब इन लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू को अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो यूजिंग देयर वैल्यूज इन इक्वेशन थ्री वी गेट हमको क्या मिलता है, वन प्लस लैम्डा वन स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा वन स्क्वायर इंटू लैम्डा टू स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। यहां से आप क्या करिए जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, इतना ही बचेगा आपके पास है ना। अब यहां पे जेड स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन के लिए भेज दीजिए टेन अल्फा, क्या यही प्रूफ करना था आपको, अभी मैं आपको कनेक्शन भी फील कराऊंगा पहले आप देख लीजिए कि क्या आपको यही प्रूफ करना था। जी हाँ बिल्कुल हमको यही प्रूफ करना था, बट ये क्वेश्चन तो कुछ ऐसे लगा कि बस यार रट ले है ना, क्या मतलब हम कहां से क्या कनेक्शन लगाएंगे कि हमें क्या पता कि यही कोन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि ये तो कोन की इक्वेशन है ना, यही तो हमको प्रूफ करना था कोन की इस कोन से पास कर रहा है वो लाइन और वो लाइन हमारी वो लाइन निकालने के बजाय हम सीधे कोन की इक्वेशन निकाल दिए और अब हमें फील हो रहा है कि हाँ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो चलिए इसके पीछे को आपको जो है कनेक्शन हम बताते हैं। देखिए उसने कहा था कि y एक्सिस और x एक्सिस, आप अपनी नोट्स में देखिए उसमें क्या कहा है कि y एक्सिस और x एक्सिस से पास होने वाली प्लेन्स, तो पास होने वाली जो प्लेन्स होंगी y एक्सिस और x एक्सिस से वो हमने आपको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में बताया कि किस फॉर्म में लिखी जाती हैं, दो प्लेन्स के बीच से पास होने वाली प्लेन के फॉर्म में लिखी जा रही है वो, ये इतनी बात आपको क्लियर है। अब आप अगर हम ध्यान से देखें तो हमने वहां पे दो नए टर्म इंट्रोड्यूस किए थे लैम्डा वन और लैम्डा टू, खुद से इंट्रोड्यूस किए थे, यानी कि हमने क्या किया लैम्डा वन और लैम्डा टू खुद से इंट्रोड्यूस किया और लैम्डा वन और लैम्डा टू हमारे डिफाइन क्या कर रहे थे, दो प्लेन्स को डिफाइन कर रहे थे, मतलब कि ऐसे दो प्लेन्स को डिफाइन कर रहे थे लैम्डा वन इस प्लेन को लैम्डा टू इस प्लेन को और इस तरह के प्लेन्स को डिफाइन कर रहे थे जो कि किसी दो गिवन प्लेन्स के बीच से होके पास किए हों। तो लैम्डा वन हमारा डिफाइन कर रहा था हमारे जेड और वाई एक्सेस से पास होने वाले, मतलब जेड इक्वल टू जीरो को हम वाई इक्वल टू जीरो वाले प्लेन से पास होने वाले प्लेन को, और जो हमारा लैम्डा टू था वो किसको डिफाइन कर रहा था, जो प्लेन हमारे जेड इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो वाले प्लेन से के बीच से होके पास हो रहा है, तो इन दोनों प्लेन्स को हमारा लैम्डा वन और लैम्डा टू डिफाइन कर रहा था।
यानी कि अगर हम ये लैम्डा वन और लैम्डा टू एक साथ क्या डिफाइन कर रहे हैं, दो प्लेन्स को, और दो प्लेन अगर है और अगर वो पैरेलल नहीं है, जो कि साफ सी बात है वो पैरेलल नहीं है, तो वो जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे तो ये देखिए कोई एक लाइन बनाएंगे, और अगर ये एक लाइन बना रहे हैं इसका मतलब लैम्डा वन और लैम्डा टू एक साथ आकर आपका क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है एक लाइन को, एक लाइन को डिफाइन कर रहा है लैम्डा वन और लैम्डा टू। जब तक हमने लैम्डा वन और लैम्डा टू की एक पर्टिकुलर वैल्यू ली थी तब तक ये क्या डिफाइन कर रहा था, एक लाइन को। और अगर हमने लैम्डा वन और लैम्डा टू का लोकस ले लिया, लोकस लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हम खुद से मानते हैं हमें उसको हटाना पड़ता है हमारी नोन चीजों से। तो यानी कि हमारी नोन चीजें क्या थी, माइनस वाई अपॉन जेड थी, मतलब ये वाई जेड एक्स हमारे वेरिएबल नोन, मतलब हमें मतलब पहले से ही हमको गिवन थे और क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन थे, और लैम्डा वन और लैम्डा टू हमने खुद से माना था। तो हमको लोकस लेना था और उसके लिए हमको लैम्डा वन और लैम्डा टू को हटाना था, इसलिए हमने क्या किया, लैम्डा वन और लैम्डा टू को इस थर्ड इक्वेशन से हटाया और उनकी वैल्यू की जगह ये रखा, तो हमें क्या मिल गया, हमें ये कोण की इक्वेशन मिल गई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी वो लाइन हमारी किसके किसकी वजह से बनी थी, लैम्डा वन और लैम्डा टू की पर्टिकुलर वैल्यूज की वजह से बनी थी। अगर हम लैम्डा वन और लैम्डा टू का लोकस ले ले, यानी कि लैम्डा वन और लैम्डा टू की सारी पॉसिबल वैल्यूज ले ले, तो वो लाइन हमारी अलग अलग लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू के लिए चेंज होगी, ऐसे 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 चेंज होती रहेगी। और जब हम देखेंगे कि वो चेंज हो रही है, तो वो अगर हम लोकस ले लिए तो उस लाइन का भी लोकस हमको पता लगेगा, और वो हमारा लोकस लेने पे क्या आया, एक कोण की इक्वेशन आई, यानी कि वो लाइन हमारी कोण की, इस वाले कोण की जनरेटिंग लाइन थी। तो ये तो 100% श्योर हो गया कि वो लाइन हमारे कोण से होके पास हो रही होगी। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्या कनेक्शन था। थोड़ा सा इररिलेवेंट लग रहा था ये क्वेश्चन, बट है नहीं, अच्छा खासा कनेक्शन था अंदर ही अंदर, थोड़ा सा बस आपको ध्यान से समझना था और इसको थोड़ा सा गहराई से देखना था क्वेश्चन को। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए तब तक, और उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल्स तक खुद से लेने होंगे, या फिर वेरिएबल्स तक खुद से एडजस्ट करके चलने होंगे, जिससे आपका जो है रिजल्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आए। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहले लिख लेते हैं क्या है। शो दैट द इक्वेशन टू द कोन vertex is the origin and the base curve z is equals to k
y is equal to 0 is a function of kx upon z, comma yk upon z is equal to 0, where if x, y is a polynomial of degree 2 होना चाहिए ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई. ठीक, ये आपका क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा होगा. अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो ये क्या कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन टू द कोन, हमारे उस कोन की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है. इसीलिए मैंने कहा है यहां पे कि डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई. तो जिसका ओरिजिन क्या है, जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, एंड द बेस कर्व. और जिसका बेस कर्व किस तरह से डिफाइंड हुआ है, जेड इज इक्वल टू सम के, यानी कि एक ऐसा प्लेन होगा हमारा जो कि जेड एक्सेस पे किसी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे होगा और वो हमारे एक्स और वाई एक्सेस के, मतलब एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा. तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक ऐसा बेस कर्व है जो कि किन दो के इंटरसेक्शन से बना है वो कर्व. पहला एक ऐसे प्लेन जो कि हमारे जेड एक्स, मतलब कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, और दूसरा ये हमारा कोई फंक्शन है, एफ एक्स और वाई का फंक्शन है. मतलब इस कर्व, मतलब ये फंक्शन है, ये कोई सरफेस डिफाइन करेगा, और ये भी हमारी एक प्लेन एक सरफेस है. तो इन दोनों सरफेस से हमको एक कर्व मिलेगा, और अगर हमको वो कर्व मिल रहा है तो वो कर्व हमारा जो है कोन का कर्व कहलाएगा. मतलब कोन का कर्व यहां बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में, और ऐसा कोन जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है. तो हमको ये दिखाना होगा कि जो हमारे कोन की इक्वेशन बनेगी ना, वो इस फॉर्म में बनेगी, फंक्शन ऑफ एक्स के अपॉन जेड वाई के अपॉन जेड. यानी कि ये जो फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है, यहां पे अगर हम एक्स और वाई को एक्स के अपॉन जेड और वाई के अपॉन जेड से रिप्लेस कर दे, तो हमें वो कोन की इक्वेशन बना के दे देगा, जहां पे एफ एक्स वाई क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई. पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का एक्स और वाई में, एफ एक्स हमारा एफ एक्स वाई. तो आइए चलिए इसको लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन को भी हम समझने की कोशिश करते हैं. तो इसका सॉल्यूशन पहले लिखते हैं. हम मान लेते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल जो इक्वेशन दी गई है एफ एक्स वाई, वो हमारी कैसे डिफाइंड है. लेट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी. ये हमने क्या मान लिया, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन मान ली हमने, जो कि सेकेंड डिग्री की है और एक्स और वाई में है. एक एक्स स्क्वायर माना, एक वाई स्क्वायर माना, एक हमने एक्स वाई दोनों लिया, एक एक्स का पर्टिकुलर, एक वाई का पर्टिकुलर, और एक कॉन्स्टेंट लिया. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन ली है पॉलिनोमियल की. अब हमें क्या दिया है कि हमें पहले से बताया गया कि कोन का वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन दैट द ओरिजिन ऑफ द कोन, द वर्टेक्स ऑफ द कोन g
given that the vertex of the cone is origin and cone passes through the and cone passes through the intersection of कौन किसके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू के एंड एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू जीरो हमारा जो कोन है हमारे इन दोनों के इंटरसेक्शन से होके पास हो रहा है। अब अगर हम देखिए अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है तो हमारा जो कोन है उसकी इक्वेशन कैसी होगी होमोजेनियस इक्वेशन होगी सेकंड डिग्री की एक्स वाई में एक्स वाई जेड में पर यहाँ पे वेरिएबल केवल एक्स और वाई है तो हमें जेड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ये वाला तो एक्स वाई जेड में होगी यानी कि सिंस द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ओरिजिन So, equation of the cone will be homogeneous equation of second degree होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होगी सिंस द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ओरिजिन सो इक्वेशन ऑफ द कोन विल बी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड सो अगर यहां से एक्स वाई जेड में हमारी होमोजेनियस इक्वेशन होगी तो हमको क्या करना होगा हमको जो चीज गिवन है ये पहला हमको क्या गिवन ध्यान से अगर हम देखें तो एक तो ये गिवन है एक ये गिवन है और ये हमने माना था तो हमको क्या करना होगा जो हमारे पास चीजें हैं उसी से और उन्हीं का यूज करते हुए हमको सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन बनानी होगी तो हम क्या करेंगे जो हमने ये फंक्शन माना है fx y इस फंक्शन को हम क्या करेंगे इस फंक्शन में जहां जहां भी वेरिएबल की पावर 1 है उसको हम 2 करने की कोशिश करेंगे और जहां पे भी वेरिएबल की पावर 0 है उसको भी हम 2 करने की कोशिश करेंगे और जहां पे 2 है वहां पे तो ठीक ही है क्योंकि सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है हमको तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे चलिए हम इस वाली जो हमारी इक्वेशन है एफएक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इसको हमको सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस और जितनी भी गिवन चीजें हैं तो हम इसका यूज करते हैं देखिए यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सिंपल जेड बाई के इज इक्वल टू 1 है ना ये हम यहां से कह सकते हैं तो हम इसी का यूज करते हैं जेड बाई के अगर हमारा 1 के बराबर है और जेड हम जानते हैं कि हमारा वेरिएबल है तो हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं कि हमारी जो ये वाली एफएक्स वाई इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन है यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है इसको हमको क्या करना था इसको हमको बनाना था होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री तो हम यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे तो वेरिएबल की पावर 2 है यहां भी वेरिएबल की पावर 2 है वेरिएबल की पावर दोनों मिला के 2 है यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है और हम क्या लिख सकते हैं कि 2 gx into 1 और 1 हमारा किसके बराबर है z by k के तो हम यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं z by k लिख सकते हैं इस तरह से अब सेम चीज हम कहां पे कर सकते हैं ये 2fy में भी y की वेरिएबल की पावर 1 है यानी कि z by k और सी में अगर देखें तो वेरिएबल की पावर 0 है तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं
जेड वाई के आफ्टर ऑल हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये भी 1 नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ पे सी से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सी जेड स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया हमने तो 0 का 0 ही बना रहा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा ये इक्वेशन है ये किस वेरिएबल इसका जो है किस की वेरिएबल की पावर कितनी हो गई है, यहाँ भी 2, 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 यानी कि ये हमारा क्या बन गया है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वाई और जेड है। तो अब हम इसके साथ क्या करते हैं, यहाँ पे इतना तो हमारे पास आ गया, अब हम इस पूरे के साथ ये जो हमारे पास LHS है लेफ्ट हैंड साइड है इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करते हैं, के स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का, जेड स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर का नहीं, के स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का, वो भी 1 के ही बराबर होगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने क्या किया, बस मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज के स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर भी हमारा क्या है, 1 के बराबर होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम के स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आपको ध्यान से यहां पे देखना पड़ेगा। ए एक्स के अपॉन जेड का होल स्क्वायर ये बना, उसके बाद बी वाई के अपॉन जेड का होल स्क्वायर, ये बना, फिर 2h एक्स के अपॉन जेड, एक मिनट, 2h एक्स के अपॉन जेड इंटू वाई के अपॉन जेड है ना, के स्क्वायर अपॉन जेड को हमने के बाई जेड में ब्रेक करके एक्स से एक बार और वाई से एक बार मल्टीप्लाई कर लिया। फिर यहां की अगर हम बात करें तो एक्स जेड वाई के है, के देखिए यहां जेड वाई के है, यहां के वाई जेड है, तो ये तो स्क्वायर में है तो हट जाएगा, तो केवल के बाई जेड बचेगा, तो 2gx के बाई जेड, 2gx के बाई जेड प्लस सेम हियर जेड वाई के है, यहाँ के बाई जेड है और स्क्वायर में है तो के बाई जेड केवल बचेगा और 2fy के बाई जेड। के बाई जेड और फिर प्लस सी जेड स्क्वायर अपॉन के है और यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन जेड है, यानी प्लस सी केवल बचा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप ध्यान से अगर हम देखें तो ये इक्वेशन क्या आई है हमारी, हमारी एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये है हमारी, और एफ एक्स वाई को ही हम 0 कहते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू 0। और हमारी ये क्या इक्वेशन है अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे x की जगह क्या यूज हुआ है, एक्स के बाई जेड, वाई की जगह क्या यूज हुआ है, y के y z, देखिए ना 2h xy x के y z y के y z,
एक्स की जगह पे एक्स के वाई जेड हुआ और वाई की जगह पे वाई के वाई जेड हुआ। सिमिलरली टू जी एक्स था सिर्फ तो एक्स के वाई जेड है, टू एफ वाई था सिर्फ तो वाई के वाई जेड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमारे पास क्या आया कि ये देखिए हम तो सब जानते हैं ना कि को हम सब ये चीज जानते हैं कि अगर हमको कहा जाता है कि हमारा कोण उसका वर्टेक्स ओरिजिन है और कोई भी उसका बेस कर्व बताया जाता है हमको, तो हम क्या करते हैं उसके बेस कर्व में हम जानते हैं कि बेस कर्व को डिफाइन करने के लिए दो इक्वेशन दी हुई रहती है, जिसमें से एक इक्वेशन हमेशा कोई एक प्लेन की इक्वेशन रहती है और दूसरी इक्वेशन कोई सरफेस की रहती है। वो सरफेस हमारा स्फीयर भी हो सकता है और कोई एक अनइवन सरफेस भी हो सकता है। स्फीयर होगा तो हमारा ये राइट सर्कुलर कोन बनेगा, राइट सर्कुलर नहीं मतलब इस तरह वाला कोन बनेगा, और अगर कोई और सरफेस ऐसा ऐसा सरफेस रहेगा, 3D सरफेस है, स्फीयर रहेगा तो देखिए ना ये स्फीयर और एक प्लेन का इंटरसेक्शन उसका बेस कर्व बनेगा और फिर वो कोन हम डिफाइन कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे वो बेस कर्व थोड़ा तिरछा मिर्छा बनेगा तो कोन हमारा इस तरह वाला कोन नहीं रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी कोन हमारा जिसका वर्टेक्स क्या है ओरिजिन है और ओरिजिन होने के बाद उसका मतलब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने को कहता है तो हमको क्या दिया रहता है, बेस कर्व की जानकारी दी रहती है, यानी कि एक प्लेन की इक्वेशन और कोई एक सरफेस की इक्वेशन। हम क्या करते थे उस सरफेस की इक्वेशन को उठाते थे और हम जानते हैं कि वो जो हमारा कोन है वो हमारा ओरिजिन उसका वर्टेक्स है अगर, तो उसकी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होगी, यानी कि ये जो हमारे सरफेस की इक्वेशन है इसमें हम इस प्लेन की इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के अगर हम यूज करें और पुट करें उसकी वैल्यूज को यहाँ पे, और किसी तरह से अगर इस सरफेस की इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन बना दें तो वही हमारी कोन की इक्वेशन आएगी। ये चीज हमको पता थी। मैं वापस से कहूंगा कि आप ध्यान से सुनिए जो अभी मैंने कहा, एक बार वापस से पीछे जाके सुनिए मैंने क्या कहा। तो हमारे पास कोन की इक्वेशन आएगी, अगर हमारे पास कोन की इक्वेशन आई इस तरह से, हमें कोन की इक्वेशन निकालते थे जब हमारा कोई भी कोन का वर्टेक्स ओरिजिन रहता था और बेस कर्व की इंफॉर्मेशन हमको दी हुई रहती थी। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, सेम वही किया, हमको क्या दिया था कि कोन का ओरिजिन क्या है, वर्टेक्स है, और बेस कर्व की इंफॉर्मेशन हमको दी थी कि ये हमारा प्लेन और ये वाला जो हमारा कर्व है इस कर्व के इंटरसेक्शन से बेस कर्व बना है। हमने खुद से बस क्या किया था, इस कर्व की ये पॉलिनोमियल इक्वेशन को मान लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि ये कर्व क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, हमने खुद से माना। और फिर हमको ये शो करना था कि अगर हमारा एफ एक्स वाई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और कर्व मतलब कह रहा हूं एक सरफेस है जो कि हमारे बेस कर्व को कोन को डिफाइन कर रही है, तो हमारी जो कोन की इक्वेशन होगी, जो कोन हमारे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और ये और इससे और इससे हमारे उसकी बेस कर्व डिफाइन की गई है, तो उसकी इक्वेशन उस कोन की इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी, एफ ऑफ के एक्स अपॉन जेड कॉमा वाई के अपॉन जेड, इस तरह से उसके कोन की इक्वेशन लिखी जाएगी। और हमने हम जानते थे कि अगर हमको ये बेस कर्व और कोन हमें बताया गया है कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन है तो हमें क्या चीज करना है, यानी कि यहां से बस इसको यूज करना है, इसको सेकंड डिग्री का बनाना है, वो हमने बनाया। और सेकंड डिग्री का बनाने के बाद हमने ये चीज ऑब्जर्व की यहाँ पे कि सेकंड डिग्री का बनाने के बाद जो हमारा जो कोन की इक्वेशन आ रही है वो क्या है, वो कुछ नहीं है, बस एफ एक्स वाई जो था उसमें से एक्स की जगह पे हमने एक्स के अपॉन जेड और वाई के अपॉन जेड, यानी इस टाइप का एक फंक्शन आ गया है कोन की इक्वेशन के रूप में। तो यहां से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो प्रूव हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ेंगे तो उसमें खुद वो कहा है कि हमें यही चीज प्रूव करनी है कि जो हमारा कोन की इक्वेशन आएगी वो हमारे इसी फंक्शन के तरह आएगी, बस एक्स की जगह पे हम एक्स के बाई जेड रख रहे होंगे और वाई की जगह पे हम वाई के बाई जेड रख रहे होंगे, यानी कि इस तरह का कुछ फंक्शन आएगा हमारी कोन की इक्वेशन। और यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दी। एक बार मैं चेक कर लूं कि कुछ अगर स्टेटमेंट रह गई हो। हाँ, तो बस अब आपको यहाँ पे इसके बाद क्या, ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया, बस अब आपको यहाँ पे क्या लिखना था कि ये इक्वेशन आ गई आपकी, उसके बाद आपको बस लिख देना था, दैट इज करके लिख दीजिए आप, दैट इज इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑफ व्हाट एक्स के अपॉन वाई कॉमा सॉरी
एक्स के अपॉन जेड क्वामा वाई के अपॉन जेड विच इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोन. ये क्योंकि दोनों ही इक्वेशन ऑफ फोन है तो हम एरो दोनों तरफ से बना देंगे. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. और आज के बाद से एक नया टॉपिक, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से एक नया टॉपिक चलेगा और उसके लिए आपको पहले वो टॉपिक समझाना पड़ेगा. तो देखिए अगला जो टॉपिक रहेगा उससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इससे भी आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है. और मैंने आपको पूरी कोशिश की कि ये जो आपका कोन का थोड़ा सा टफ पार्ट था इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आई थिंक, और आपको समझ में आ जाना चाहिए. क्योंकि देखिए मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, अभी तक कोन में हमने जो भी पढ़ा उसका 15 से 20 सेकंड में एक रिवीजन, ध्यान से सुनिएगा. हमने ये पढ़ा कि कोन हमारा क्या है, कोन हमारा एक लाइन और एक कर्व से डिफाइन होने वाला एक सरफेस है ना. कोन को बताने के लिए या डिफाइन करने के लिए क्या दो चीज चाहिए, एक लाइन जिसको हम क्या कहते हैं जनरेटिंग लाइन, और एक कर्व, कर्व जिसको हम क्या कहते हैं बेस कर्व या फिर और भी तरीके कर्व कहते हैं सरफेस कर्व. तो बेस कर्व हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं. तो बेस कर्व और जनरेटिंग लाइन से हमारा कोई भी कोन डिफाइन किया जाता है. आपको मैंने 3D में बना इमेजिन करने की भी कोशिश करवाई कि कोन आपका सिर्फ वो नॉर्मल बर्थडे कैप्स की तरह वाला कोन नहीं रहता, अलग अलग शेप्स के भी मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं उस कोन के उसमें, ये मैंने बताया. उसके बाद जब हम यहाँ पे बताया आपको कि जो आपकी कोन की इक्वेशन उसको हम कैसे डिफाइन किए, तो अभी तक हमने सिर्फ एक तरह की कोन की इक्वेशन को डिफाइन किया है. और वो किस तरह के कोन की, जिस कोन का वर्टेक्स कैसा हो, ओरिजिन हो, और उसकी इक्वेशन हमारी कैसी लिखी जाती है. उसकी इक्वेशन हमारी लिखी जाती है इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की तरह उसकी इक्वेशन हमारी लिखी जाती है. और वो जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है वो किस किस वेरिएबल्स में होती है, एक्स वाई और जेड में होती है. चलिए आपको इतना पता लग गया कि कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, एक्स वाई जेड में होमोजेनियस इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की. बट अब अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि अगर आपका कोन हमारा वर्टेक्स ओरिजिन है और उसका जो कह सकते हैं कि जो बेस कर्व है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि वो जो बेस कर्व है उसका एक प्लेन और इस सरफेस के इंटरसेक्शन से बना है. अब वो सरफेस आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसे करके कोई भी सरफेस आपका दिया गया है अगर, हाँ तो आप क्या करेंगे, आपका मेन एम क्या होना चाहिए यहाँ पे, आपको सबसे पहले देखना है हाँ कोन का जो वर्टेक्स ओरिजिन है यानी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमको बना के दिखानी है, क्योंकि कोन की इक्वेशन ही पूछ रहा है. और अगर हमको सेकंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बना के दिखानी है इन एक्स वाई एंड जेड, तो हमको प्लेन की इक्वेशन और उस गिवन सरफेस की इक्वेशन को यूज करके एक सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन बनानी होगी. और अगर हम वो सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन बना ले गए यानी कि वही हमारी कोन की इक्वेशन आ जाएगी. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने जितने भी कराए सब इसी कंसेप्ट पे थे. बस कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कह सकते हो मैथमेटिकल तिकड़म यूज हुआ था, तो उसका आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा. एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे शुरू करेंगे कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ कोन, जहां पे हम जनरल इक्वेशन, अभी तक हम क्या होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते थे, बट अब हम जनरल इक्वेशन की बात करेंगे. क्यों, क्योंकि अब हमारे कोन का जो वर्टेक्स है वो जरूरी तो नहीं कि हर बार हमारा ओरिजिन हो, तो वो चेंज हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है 1, 3, -2. तो उस तरह के कोन की इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.